एसिड अटैक, रेप और इन जैसे कुछ जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और जब कभी भी इन पे मूवी बनाई जाती है तो बड़े ही ध्यान से इन पे मूवी बनाई जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है कि नहीं, इन मूवी का इम्पैक्ट बहुत अच्छे से पड़ना चाहिए लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएँ कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं रुकी तो ये समाज को खोखला करने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूँ छपाक मूवी की, जिसे डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, और जिसके अंदर कास्ट है दीपिका पादुकोण है, विक्रांत मैसे, अंकित, बिष्ट, हरदुजीत सारगी और अन्य कलाकार। मूवी में काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देंगे। कहानी जो है इस मूवी की, लक्ष्मी अग्रवाल जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था उनकी जीवनी पे बनाई गई है, जिसको प्ले किया है दीपिका पादुकोण ने, एज ए मालती नाम इसमें चेंज है, मालती अग्रवाल जो उन्होंने प्ले किया है। ये मूवी उनके संघर्ष और एसिड अटैक होने के बाद उनके ऊपर जो उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की समाज के अंदर, ये सब चीज़ें ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है। कोर्ट से ले, कोर्ट में जो उनको इंसाफ मिला उसको लेके, फिर बाद में वो जो दूसरी लड़कियां जिनके ऊपर एसिड अटैक हुए उनको, उनकी हेल्प के लिए एक एनजीओ से जुड़ना, इन सब चीज़ों को ये मूवी दिखाने की कोशिश कर रही है। इस मूवी को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखा गया है, ये मुझे मेरे ओपिनियन से मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसमें कुछ ज़्यादा कोई मसाला है या कुछ और चीज़ें इसमें ऐड वैड नहीं की गई हैं। जो इसका थीम सॉन्ग है वो भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। ये मूवी कुछ और अच्छा भी प्रदर्शन कर सकती थी, अच्छा जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कुछ टाइम पहले जो दीपिका पादुकोण जो JNU में जाके वहाँ पे खड़ी हो गई थी, तो जो इनकी PR टीम है, जो इन्होंने ये सोचा होगा कि ऐसे वक्त पे जहाँ पे JNU का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, वहाँ पे जो वॉयलेंस हुआ था उस वॉयलेंस को लेके यहाँ पे हम दीपिका पादुकोण को भी वहाँ भेज देते हैं, ये जो तो दांव जो इन्होंने चला, मेरे हिसाब से इनके ऊपर ये उल्टा लगे, उल्टा पड़ गया। वो इसलिए पड़ गया क्योंकि भाई अगर आप देखोगे प्री बुकिंग से लेके और आज की परफॉर्मेंस, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अब परफॉर्मेंस में आप जाके देखो तो आप बुक माई शो खोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि लोगों ने लाइक क्या दिया है इनको, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उस एक इंसिडेंट से। तो ये दाम मेरे हिसाब से तो भैया उल्टा ही पड़ गया इनके ऊपर। और दूसरा मुझे इसके अंदर एक चीज़ ये कमी लगी कि ये इस मूवी को जितना इम्पैक्ट डालना चाहिए था लोगों के ऊपर उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाती। खैर इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में कुछ इम्पैक्ट डालना नहीं है या फिर मूवी में ऐसे कुछ दिखाया नहीं गया। मूवी में ऐसे भयानक सीन है जिनको आपको देख के इतना दर्द होगा ना कि कैसे एक लड़की की सिर्फ और सिर्फ एक ना की वजह से उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, फिर कैसे उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, क्या क्या उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन बावजूद इतना कुछ था, ये इतना इम्पोर्टेंट विषय था लक्ष्मी अग्रवाल जी की लाइफ के ऊपर जो उन्होंने झेला, उनके उनके अपनी लाइफ को, अपनी जीवनी में करियर को लेके, उन सब चीज़ों के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट विषय होने के बावजूद भी ये मूवी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। हाँ हालांकि ये कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें थी इसको अच्छे बनाया जा सकता था, अगर कहें तो JNU में ना जाके जो ये निर्भया कांड जो जो था उसके जो चार दोषी हैं उनको सजा सुनाएगी तो वहाँ पे भी वो जा सकती थी। खैर ये हुआ था कि उनको पहले वहीं जाना था, लेकिन जब ये JNU का बवाल इतना ऊंचा उठा तो भाई मेरे हिसाब से मुझे लगा कि PR को, इनको जो इनकी PR टीम है उनको लगा कि हाँ यहाँ जाते हैं लोगों की नज़रों में आते हैं, लोग सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे खड़े हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उनका वहाँ जाके खड़ा होना कोई गलत चीज़ नहीं थी, वो कुछ बोली नहीं, या जब वो खड़ी थी तो कुछ नारे नहीं लगाए गए। बात नारे लगाने की या कुछ बोलने की नहीं है, बात है कि लोगों में उनके प्रति वहाँ पे आक्रोश है। आप वहाँ जाके एक सिर्फ मूवी का प्रमोशन वहाँ कर रहे हैं, या तो आप खड़े ही हो रहे हैं तो हर एक पॉलिटिकल इशू या फिर जो भी देश में गलत हो रहा है या फिर जो भी कुछ भी घटना घटती है तो वहाँ जाके भी एक चीज़ वो दिखाओ ना। साफ तौर पर ये चीज़ें जाहिर होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए एक जगह जाके खड़ा होना जो पहले ही हाईलाइट है, तो देख रहे हैं कि ट्विटर में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें करना, वहाँ तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था जाके कि प्रमोट हो सके मूवी, लोगों को ज़्यादा पता चल सके। और फिर एक और कैंपेन चलाया गया कि बायकॉट दीपिका पादुकोण, बायकॉट छपाक मूवी, तो ये सब चीज़ें चली। और इसके अंदर एक नाम को जो लेके बड़ा ही जो चीज़ें चल रही थी कि इसमें जो है वो राजेश नहीं है, इसका कुछ और नाम है, नदीम खान है जो ओरिजिनल नेम है नदीम खान, तो ऐसा कुछ लेके ये ट्रेंडिंग में चलाया गया। बावजूद इसके ये सब चीज़ें इनकी चाल ही थी, मेरे देखो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इन्होंने जानबूझ के वो चली ताकि वो ट्रेंडिंग में आए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा
कैचअप करे, लोगों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करे। अब इतने सेंसिटिव इशू को अगर इस तरह प्रमोट करोगे तो लोगों का इसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और पड़ता भी रहेगा, क्योंकि अगर आप आपका नीयत साफ है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक वो लोगों को एक सच्चाई जो जो एक समाज की असलियत है वो दिखाने चाहिए, कड़वी सच्चाई वो आपको दिखा रहे हो, तो किसी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू में नहीं जाना चाहिए कि भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े। अगर ये ना होता, दीपिका पादुकोण वहाँ ना जाती, तो जाहिर तौर पे ये मूवी अच्छा परफॉर्मेंस करती और इसको और अच्छे से भी डायरेक्ट किया जा सकता था। वैसे मेघना गुलजार तो अपने नाम के लिए काफ़ी जानी जाती हैं, जो उन्होंने राजी जैसी मूवी बनाई थी। खैर, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उस मूवी के बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी डिजर्व भी करती है मूवी। काफ़ी लोगों को वो पसंद भी आती है, मुझे पता वो किन लोगों को, हमारे सेक्युलर बंदे हैं उनको काफ़ी पसंद है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको मूवी समझ में नहीं आती कि मूवी का मतलब क्या होता है, ये दिखा क्या रहे हैं, बस वो उस मूवी को कंज्यूम कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं। देखो यार, एक चीज़, कोई भी डायरेक्टर होता है ना, कोई उसका जो मूवी बनाने का या जो राइटर होता है उसके जो लिखने का, वो कोई कहानी या उसकी कोई आइडियोलॉजी जो होती है वो ये सोच के वो लिखता है। वो धीरे 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 एक छोटी छोटी चीज़ आपके मन में वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, और एक टाइम होता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में आपके दिमाग में वो डाल देते हैं, क्योंकि कोई आपके सामने चाहे वो सच भी बताए तब भी आपको लगेगा नहीं, जो उसने दिखाया है वो सच है। खैर, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बताना चाहता था, फिर भी मन किया बताने का, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।